हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रस कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? सो आज मैं आई हूँ ज़ू में। जी हाँ, अपनी फैमिली के साथ ज़ू में आए हैं हम। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि सामने जो है यहाँ से एंट्री होती है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। हम वेट कर रहे थे, एक्चुअली युग को कुछ खाना था तो युग खा रहा था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ से एंट्री होती है। तो यहाँ पर ये पुराना किला है, तो उसके जो है इधर जाके ये सामने एंट्री होती है। तो युग जो है अपना खा रहा था ये, क्योंकि अंदर खाने पीने का कुछ भी ले जाने नहीं देते हैं, तो इसलिए हम पहले ही इसको यहाँ पे खिला रहे थे। और मैं आपको बता दूँ कि इसके आपको जाने के लिए आपको जो है ऑनलाइन ही टिकट्स जो है बुकिंग करानी पड़ती है अपनी, तो ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर आके आप दिखा सकते हैं इनको। तो यहाँ पर आके टिकट लेने का कोई सिस्टम नहीं है अब, ड्यू टू कोरोना एज यू नो। तो यहाँ से देखिए अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्स्ट टाइम आए हैं तो। और हाय गाइस, तो आज हम आए हैं दिल्ली ज़ू। सो एंट्री मैंने आपको दिखाई उधर से, और उधर है सेल्फी पॉइंट उधर आगे जाके, तो आगे आपको दिखाती हूँ मैं। उधर हस्बैंड और युग जा चुके हैं, वो देखो जा रहे हैं। इधर स्टेयर्स हैं, तो मैं स्टेयर्स से उतर के उधर जाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ मैं। सो युग काफ़ी दिन से बोल रहा था कि मम्मा ज़ू देखना है, ज़ू देखना है, तो उसको दिखाने के लिए हम आए हैं। तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों बाद आज ब्लॉग भी बना लेती हूँ, तो चलिए दिखाते हैं आपको, दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सो स्टार्टिंग में यहाँ पर आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। मोस्टली लोग सेल्फी क्लिक करते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं, तो युग की भी हमने की है। और मैं आपको बता दूं कि पर पर्सन यहाँ पर 80 रुपीज़ टिकट है अडल्ट की, और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। 0 to 5 years कोई टिकट नहीं लगती है। तो यहाँ से हम जाएंगे, ई रिक्शा मिलेंगे आपको स्टार्टिंग में। तो ये देखिए, ये ई रिक्शा खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये जब पूरी भर जाती है तब चलती है, और ये जो हट सी बनी हुई है यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं इस ई रिक्शा की। सो इसकी कॉस्ट जो है वो 70 रुपीज़ है पर पर्सन। ये आपको एक बैंड भी देते हैं हाथ पे पहनने के लिए, जिससे इन्हें पहचान हो जाती है कि इन्होंने ई रिक्शा की टिकट ली है। ब्लैक बक। अपनी जान ना मेरे हाथ में दे के चलो। क्या है? अच्छा, दूर से ले। है ना, वो देखो, वो दिखे वो पक्षी है ना, कितने बड़े बड़े, वो उड़ 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 कितनी सुंदर लग रही है वो। अरे वाह, ये देखो कितना बड़ा। ये पूरा मैप दिया हुआ है पूरे ज़ू का, कि कहाँ से कहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। और आप अपना भी पता लगा सकते हो कि आप अभी कौन सी जगह पर हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जहाँ से ऑनलाइन टिकट बुक होती है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जैसे आप एंट्री करते हो, एक दो चीज़ें आप देखते हो, उसके बाद ही आपको टॉयलेट मिलता है जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं उसे। और ये चेतावनी दी हुई है, इसको पढ़ के ज़रूर जाइए। सो आगे मैं आपको टॉयलेट दिखाऊंगी भी किधर है। सो गाइस, वीडियो पूरी देखिएगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरा ज़ू जो है कवर करके दिखाऊं। ज़ू बहुत बड़ा है, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाई हैं आपको। ये खेल रहे थे, लड़ाई नहीं कर रहे। ये
खड़े हो सीधे ठीक से खड़े हो ना। सो गाइस आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में एक वॉशरूम बना हुआ है जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और ये है सांबर हिरन, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके के हिरन काफ़ी देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में, अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पर जो हैं खाने पीने की चीज़ें बीच बीच में आती रहती हैं, खाने की तो नहीं है, पीने की मोस्टली है यहाँ पर चीज़ें। खाने की आपको नहीं मिलेगी क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी मिसयूज़ करते हैं, जानवरों को ऐसे डालते हैं, परेशान करते हैं, तो इसलिए खाने के आइटम्स तो मेरे ख्याल से नहीं है यहाँ पर। छोटी सी गड्ढे के अंदर घुसी हुई है, कितनी खतरनाक होती है। बंगाल लोमड़ी यहाँ क्यों आएंगे, वो आदमी के पास ही आते हैं। हम इधर से नहीं जा रहे क्योंकि इधर मंकी बैठे हुए हैं ग्रिल पे। अरे यहाँ पे भी है, ये देखो नीचे भी आ गए हैं, ये देखो। तो हम तो इधर से आए हैं कि कहीं काट वाट लें कुछ। सो ये जो पूरा एरिया है, पूरा ये पूरा बर्ड्स का है, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक अभी आप देखना, वहाँ तक बर्ड्स का है पूरा, देखने को मिलेंगे आप। और मैं आपको बता दूँ कि एवरी फ्राइडे ये क्लोज रहता है जू। पानी वैसे ले जाने दे, लाने देते थे ना या नहीं लाने देते थे? कुछ नहीं लाने देते, खाने पीने। पानी पिलाएंगे। यस आगे आगे दिखाई देगा टाइगर, शुरू में दिखा दिया तो फिर वो एक्साइटमेंट नहीं। हाँ छोटे छोटे से बड़े स्टार्ट करते हैं ना, नहीं शुरू में टाइगर लग जाए तो फिर बाद में। मेन तो बच्चों को तो उसी का क्रेज चढ़ा रहता है, टाइगर को क्या, बड़ों को भी उसी का। मिट्टू 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 हेलो, मिर्ची खाओगे? मिर्ची खाओगे? हाँ इनकी ट्रे में सारा खाना वगैरह रखा हुआ है इनका, वो खाएगा अब देखो, खाएगा, ये खा रहा है, उसे भूख लगी है। सो ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है ये, और इनके लिए ट्रे रखी हुई है, इसमें ये खाते पीते रहते हैं। और ये एक न्यू एरिया बनाया है, लास्ट टाइम मैं गई थी पहले तो नहीं था ये न्यू बनाया है। यहाँ पे आउल वगैरह ये सब होते हैं, और सर्दियों में स्नेक्स वाला स्नेक्स वगैरह को तो नहीं दिखाते, उन वो तो बंद तो रहते हैं। तो चलना बहुत पड़ता है, तो आप कंफर्टेबल शूज वगैरह सब पहन कर आए क्योंकि चलना बहुत पड़ता है, तो ऐसे चप्पल पहन के आए कि टूटे वगैरह ना और बिल्कुल कंफर्टेबल हो सके तो शूज जरूर पहन कर आइएगा। अब आया ये वाला, आया फिर आएगा। अरे छोटे छोटे बड़े बड़े इधर वाला और बड़ा बेटा, ये
वाओ, यहाँ पर है एलिफेंट। ये दिख रहा है आपको कितना बड़ा, ये देखो। पहले जब हम आए थे तो इनका कुछ अलग एरिया बनाया हुआ था, अभी दूसरी जगह शिफ्ट किया हुआ है इनको। ये देखिए कितना सुंदर एलिफेंट है। आते हैं, ये तो खाता ही रहता है। ये तो आने को तो यहाँ से खूब आ जाए। पानी ने? पानी भी नहीं है। अरे पानी तैरना तो आता ही है ना, इतनी सी युग आपको देख रहा है ना, वो दिख रहा है आपको लाइन। दूर से ही तो है ये बेटा, ये बाउंड्री लगाई हुई है ना, दो में तो लड़ाई मच जाएगी ना। So guys, आगे मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, तो ये देख के मैं जूम करके दिखा रही हूँ। पीछे देखिए, पीछे से लोग जो हैं वो लाइन को परेशान कर रहे थे, उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। ये देखिए इधर से वो उधर आके बैठ गया है, वो पहले उधर ही बैठा था जिधर ये लोग हैं, तो लोग पीछे से जाके देख रहे हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं इस तरीके से लोग। तो उन्हें जो है सिक्योरिटी गार्ड ने डांटा, तब वो लोग गए वहाँ से। और ये है इंडियन एलिफेंट, जो पहले मैंने दिखाया था आपको वो था अफ्रीकन एलिफेंट। ये है कौन सा एलिफेंट है, वो अफ्रीकन था और ये इंडियन एलिफेंट। ये भारतीय हाथी है, इंडियन एलिफेंट। और जहाँ पर भी आपको बड़े बड़े एनिमल्स दिखाई देंगे वहाँ पे गार्ड भी जरूर दिखाई देगा सेफ्टी। हाँ हाँ, घड़ियाल। आइसक्रीम तो नहीं खानी मुझे। नहीं आइसक्रीम नहीं, कुछ और देखते हैं। कूल पॉइंट। सो यहाँ पे बैठने के लिए भी है, उधर कूल पॉइंट है और इधर दिए हुए बेंचेस वगैरह, पी सकते हैं। तो गाइस ये है लेपर्ड, जो कि ऊपर से नीचे तक जाली लगाई हुई है क्योंकि बहुत ऊंची छलांग मारता है तेंदुआ, तो इस तरीके से कवर करके रखते हैं इसको। नहीं नहीं पकड़ा है मम्मा ने, अरे वो देखो कैसे खेल रहे हैं। सो ये टाइगर के पंजे के निशान बनाए हुए हैं रोड पे, जिससे कि पता चल जाए कि आगे जाके टाइगर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए टाइगर। कुछ
भाई काल तो से आगे ने राजन ध्यान दे तो लेसा भरा यार दादा इनको से कैमरा जा ना आई तो वो तो ऊपर सा हां कैमरा से फोटो है क्लिक कर लो साथ में इधर आओ इधर 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 ओए ओए आओ खेल रहे हैं योगी बन गई वीडियो फिर आ रहे हैं ओए वाह इन्होंने सही एंटरटेनमेंट हां खेल रहे हैं योगी गया गया खड़ोगे 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 जल्दी जल्दी वीडियो है ना योग अब देखो यार टांगे देखो कितनी मोटी मोटी योग ये सही आया ना हाय कर दो योग अभी अपनी गुफा में जाएगा शायद या नहीं उधर से रास्ता है ना उसका नीचे जाने का उस पे ध्यान देना है आवाज भी आई बच्चा ऊपर आ जाओ छोटी सी क्या काला भालू हिमालयन ब्लैक बेयर बोरा ब्लैक भालू हाँ आ गया आ गया आ गया हाँ 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 उल्टा चल रहा है उल्टा तो जब हम वापस जाने लगे थे तो हमने देखा कि ये बाघ जो है पानी में उतर गया है रॉयल बंगाल टाइगर तो हमने जो है इसको कैप्चर कर लिया और जब हम वापस जाने वाले थे देखिए ये लोग भी दरियाई घोड़ा वगैरह भी पानी में से निकल निकल के बाहर जा रहे थे और टाइमिंग सेम थी दोनों जगह थे ये दोनों 4 बजे के करीब जो है बाहर निकल कर अपना खाने लगे थे तो अब जो एग्जिट कर रहे हैं जब आपको एग्जिट करनी हो तो ये इन्होंने एरो दिए हुए हैं तो इधर से एग्जिट का रास्ता है आधा आपको ये जब हम आए थे तो वहीं तक हम वापस आए और फिर एग्जिट का पूछा हमने मैप पर में भी देखा तो यहाँ से जो है एग्जिट का रास्ता है से एंट्री थी और इधर के साइड ये एक गेट है तो इधर से एग्जिट है सो यहाँ से एग्जिट होती है और इधर जो है बाइक की पार्किंग है और ये कार की पार्किंग है तो हम भी उधर ही जा रहे हैं तो गाइज हम वापस आ चुके हैं और रास्ते में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला आपको अच्छे से जो है वहां से बाय कहने का सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फैमिली में लाइक कीजिएगा अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है कि जब कभी आप जाएं तो इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए सो बाय गाइस टेक केयर लव यू